हे गाइस, स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, प्रणाम, दुआ, सलाम। कैसे हो सबके सब? क्या चल रहा है नया ताजा? कह दो कह दो कह दो। रीजन ये है कि आज क्लास में नहीं आने का, क्योंकि 9 बजे हमने कभी क्लास की नहीं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे जूही की कली को। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्वागत है, क्या हाल चाल है चेला जय। तो यार, एक तो सबसे पहले कि जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं की वो क्लास ज्वाइन कर लो, 25% का डिस्काउंट चल रहा है। जो लोग जून के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, दिसंबर 2023 वाले 6 मंथ वाला ज्वाइन कर लो, और जो दिसंबर और जून दोनों के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वो 12 मंथ वाला ज्वाइन कर लो। आज कल में ज्वाइन कर लो, ये 30 तारीख तक ये ऑफर होने वाला है ना। रेफरल कोड आपको लॉक इसलिए में लगाना है। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पर। मैं आपको बतला दूं, हम जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं अनअकैडमी पर, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ये वाले सब्जेक्ट। अभी 25% का ऑफर चल रहा है, इस चीज का ध्यान रखना, 20 की जगह। तो ये सारे सब्जेक्ट, इसमें पंजाबी है तो हम लोग पंजाबी पढ़ाते हैं। जा रहा है मैसेज, मतलब मैं ये देख रहा था कि कमेंट हो रहा है, कमेंट नहीं हो पा रहा। जैसे मैं सिर्फ सही है, वेरी गुड। तो सूर्यकांत त्रिपाठी के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने 1920 ईस्वी के आसपास लेखन कार्य शुरू किया था। उनकी पहली रचना जन्मभूमि पर लिखा गया एक गीत था। लंबे समय तक निराला जी की जो प्रथम रचना के रूप में प्रसिद्ध हुई थी, जूही की कली, जिनका रचना काल निराला ने स्वयं 1916 ईस्वी बतलाया था। वस्तुतः 1921 में लिखी गई थी तथा 1922 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। इस कविता में कवि ने जूही की कली और पवन का मानवीकरण किया है। नायिका जूही की कली और नायक पवन का वर्णन इसमें किया गया है। देखो, इतनी अगर आपको डायरेक्ट रूप से जूही की कली को पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार कोई अश्लील बात इसके अंतर्गत हो रही है। और मैं आपको बता दूं, जूही की कली वही रचना है जिसको सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया था। जूही की कली वही रचना है जिसको सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में जब ये छपी, उसके बाद में इसने गर्दा मचा दिया एकदम। चलिए, और चीजों को समझने का यहां पर हम लोग प्रयास करते हैं। तो आपने कविता के रूप में कितने लोगों ने जूही की कली को पहले पढ़ा है, मतलब कविता के फॉर्म में कितने लोगों ने जूही की कली को पहले पढ़ा है, मुझे बताओ। सब लोग कमेंट्स करके बताओ रिगार्ड, कितने लोगों ने जूही की कली को पहले पढ़ा है कविता के रूप में। है भाई, एक बात को समझो, इसमें जो नायक है ना वो पवन है और नायिका कौन है, जूही की कली। अब आप जानते हो कि जूही की कली क्या है, किसको कहते हैं जूही की कली, कितने लोग जानते हैं जूही की कली के बारे में, इसको जूही की कली कहते हैं। हाय, गुड इवनिंग, हेलो 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 हेलो, कितने लोग जानते हैं जूही की कली के बारे में। सर, मुझे एक बात बस ये बता दीजिए कि आपकी क्लास कब से कब तक होती है। ठीक है बेटा, अभी बता देता हूँ, रुको, पहले आप इसी चीज को नोट कर लो। तो इस कविता की जो नायिका है वो है एक फूल पत्ती कली। क्या है?
सुई की कली और नायक कौन है साथियों? पवन इसका नायक है। आइए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या पर चलते हैं, एक एक चीज को पढ़ते हैं। क्या कहती है व्याख्या? कवि निराला जी कहते हैं कि जुही की कली विरह में पीड़ित नायिका का एक रूप है। विरह में पीड़ित, विरह का मतलब अपने पति या प्रेमी से बिछड़ी हुई नायिका, उसको विरह में पीड़ित है। वो मिलना चाहती है, मिलन की आग सता रही है, मिलन की कोशिश कर रही है लेकिन मिल नहीं पा रही है। जो अपने प्रेमी पवन से विरह में तड़प रही है, जो उसे दूर छोड़कर पर्वत पर चला गया है। अब आप जानते ही हो जो हवा है साथियों वो पर्वतों की तरफ से आती, वह अपने प्रेमी के स्वप्न में खोई है। कब उसका प्रेमी आएगा और उन दोनों का मिलन होगा? अभी तो रुक जाइए, पढ़ाने वाला हूँ, रुक जाइए, आगे देखते हैं क्या क्या होता है। दूर बलियागिरी पर्वत पर उनके प्रेमी पवन को भी अपनी नायिका की याद आ रही है। यानी कि आग दोनों तरफ भड़की हुई है, एक तरफ आग नहीं भड़क रही है, ये आग दोनों तरफ भड़क रही है साथियों, दोनों तरफ ये आग भड़क रही है। वे अपने प्रेसी से मिलने के लिए तड़प उठता है और अपनी प्रेसी जुही की कली से मिलने के लिए चल पड़ता है। जब वे अपनी प्रेसी के पास पहुंचता है तो उसकी प्रेसी जुही की कली उसके स्वप्न में खोई हुई है, निश्चल आंखें मूंद पड़ी है, उसे अपने प्रेमी के आने की सुध बुध नहीं है और प्रेमी के स्वागत में नहीं उठती। यानी कि उसका प्रेमी आ गया है और उसके स्वागत में नहीं उठती है और नायिका सो रही है। उसे देखकर प्रेमी को लगता है जुही की कली को उसके आने का कोई हर्ष नहीं होता। ये अक्सर होता है जब कोई नायक होता है या कोई नायिका होती है, जब नायिका को लगता है कि नायक मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है, उसके मेरे होने से नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रूठ कर बैठ जाती। उसी तरीके से नायक बड़े दिनों बाद अपनी नायिका के पास आया है और उसको लग रहा है कि नायिका मुझे भाव ही नहीं दे रही है। क्या नहीं दे रही है साथियों? नायिका उसको भाव नहीं दे रही है, तो उसको गुस्सा आने लगता है। क्या आ जाता है? नायक क्या हो गया यहाँ पर? क्रोधित हो जाता है। फिर पवन क्रोधित होकर अपने झोंकों को तेज गति से चलाने लगता है, जुही की कोमल कली के कोमल तन पर आघात लगती है और वे हड़बड़ाकर जाग जाते। अब सामने अपने प्रेमी पवन को देखकर वो हर्ष से उल्लासित हो उठती है। फिर दोनों प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के गले सिकवे दूर करते हैं, इन दोनों का मिलन हो जाता है और दोनों प्रेमी प्रेमिका प्रेम के रंग में डूब जाते हैं। क्या डूब जाते हैं? प्रेम के रंग में डूब जाते हैं। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या फिर परियों की रानी, क्या हो मेरी जुही की कली, मैं हूं तेरा प्रेमी। ऐसे ऐसे गाने भी साथियों आप लोगों ने देखे हो। तो मिलन हो जाता है, दोनों प्रेमी का प्रेमी एक दूसरे के रंग में डूब जाते हैं। नाम है जुही की कली। मेरे सवालों का जवाब दो ना, मेरे रंग में रहने वाले। क्या बात है! चलिए आ जाते हैं जुही की कली कविता पर। आपने भावार्थ समझ लिया है कि भावार्थ क्या है, अब कविता को पढ़ते हैं। विजन वन वल्लरी पर सोती थी स्वाग भरी, इसने स्वपन मग्न। वाह! मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, नहीं तो ऐसा लगेगा क्लास अश्लील होने चली जाएगी। मतलब ये कविता, इस केस कविता को अश्लीलता के चलते उस समय सरस्वती पत्रिका में छापा नहीं गया था, तो मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर से इसकी व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। ठीक है कि विजन वन वल्लरी सोती थी स्वाग भरी, इसने स्वप्न मग्न। यानी कि अपने प्रेमी को याद करते हुए सुहाग की सेज पर वो अपने प्रेमी, अपने नायक को याद करते हुए सो रही है। अमल कोमल तनु, अब उसके शरीर की व्याख्या कर रहा है नायक कवि। अमल कोमल यानी नर्म, तनु तरुणी जुही की कली। त्रग बंद किए शिथिल
प्रतांक में। रात्रि का वर्णन है वसंती निशा, निशा का मतलब होता है रात्रि, वसंती निशा थी, विरे विदूर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन। देखो एक बात बताऊं, जब किसी याद आती है, तेरी याद तेरी याद तेरी याद 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 बस याद रह जाती, जब हम किसी की याद में रहते हैं और याद करते करते रोते हैं, क्या है, जब हम याद करते किसी को रोते हैं, जब हमको जब नींद आती है तो ऐसा लगता है कि हमने पता नहीं कितने दिनों की नींद पूरी कर ली हो, गहरी निद्रा में चले जाते हैं। यादें रोज आती हैं, आती होंगी, ये अपना अपना व्यक्तिगत विचार है। तो क्या होता है साथियों, जब हम किसी को याद करके रोते हैं उसकी याद में, और जब हमको रोते रोते, जब तकिया ऐसा लगा रखा है, जब रोते रोते हमको नींद आ जाती है, तो ये लगा लो आप स्वर्ग की यात्रा करके आए हो। उसी तरीके से जो जूही की कली की जो नायिका है जूही, मतलब यहां पर देखो समझो, एक तो है हवा, हवा कौन है, नायक है, और वो नहीं छोटी छोटी बेलड़ी होती है ऐसे, वो बेलड़ी नहीं होती, वो प्लांट की बेलड़ी, ये हवा ऐसे टकराएगी अभी, वो प्लांट की बेलड़ी नायिका है, ऐसे टकराएगी उन पर जाकर वो ऐसे विचलित हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, विरे विदुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, क्या था, किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयालिन, क्या कहते हैं, जिसको मलयालिन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको मलयालिन। आई याद बिछुड़ने से मिलने की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद शांता की कंपित कमनीय गात, क्या थी, यानी वो अपने प्रेमी पवन को याद कर रहे। उपवन क्या है साथियों, उपवन सरित गहन गिरी कानन, गिरी का मतलब क्या होता है, गिरी पहाड़, उपवन सरित गहन गिरी कानन, कुंज लता कुंजों को पाकर पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ, जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह नायक ने चूमे कपोल। वाह, क्या साथियों, नायक ने चूमे कपोल, कपोल यानी गाय, नायक ने चूमे कपोल, बोल उठी बिल्लारी की लड़ी जैसे हिंडोल। जैसे ही हवा का तेज धोखा आया, जो नायिका थी उसको लगा कि नायक ने उसके नरम नरम गालों को छू लिया है, नायक ने कपोल चूम लिए, बोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, इस पर भी जागी नहीं, जैसे ही इस पर भी नायिका जागी नहीं, सूख क्षमा मांगी नहीं, निंद्रा लैसे बंकिम विशाल नेत्र बूंदे रही, किंबा मतवाली थी यौवन की मदिरा थी। यौवन की मदिरा का मतलब जानते हो, जवानी, यौवन, यौवन का अपना एक नशा होता है, जवानी का अपना एक नशा होता है। एक वो भोजपुरी में गाना है, जवानी मेरी कटरा कटरा, इस तरह का कुछ है, मैं इतना शब्द तो नहीं जानता लेकिन मैं सुनता बहुत हूँ, इनका अर्थ तो मुझे नहीं पता लेकिन मैं सुनता बहुत हूँ, जवानी मोरी कतरा कतरा या कटरा कटरा, इस तरह का एक शब्द आता है। तो मतलब जवानी भी अपने आप में एक नशा है, क्या है, जवानी भी अपने आप में एक नशा है। अच्छा एक बात बताओ, आज मैं आपको नीचे की साइड दिख रहा हूं, क्या ठीक लग रहा है आपको ऐसा, पहले क्या तीन तरीके से यहाँ पर शो होते हैं, देखो तीन तरीके से आदमी यहाँ पर एक टीचर दिख सकता है, कई तरीके से मैं आपको बता,
कौन कहे निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की। अब नायक हमारा क्या होता है, नाराज हो जाता है और नायक एकदम गुस्से में निठुर हो जाता है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल दया नहीं करता अपनी नायिका पर, और झोंकों की झड़ी से सुंदर सुकुमार धे को झकझोर डाला। एकदम तेज हवा आई और उसने अपनी नायिका के पूरे शरीर को झकझोर दिया। गुस्से में था नायक, मसल दिए गोरे कपोल गाल, तेज हवा के झोंके ने मसल दिए गोरे कपोल गाल, सोक पड़ी युवती सकित चितवन निज चारों ओर। जैसे ही नायक शुरुआत में आया, नायक ने अपनी नायिका के शरीर को स्पर्श किया, उसको कपोल पर चूमा, लेकिन नायिका जागी नहीं, सोती रही। और इससे नायक को लगा कि जो नायिका है वो मुझ पर सही तरीके से ध्यान नहीं देती, वो मुझे कुछ भी नहीं समझती, इतने दिनों बाद मैं उससे मिलने आया हूं और वो मुझे भाव नहीं दे रही, कहीं ऐसा तो नहीं है नायक बदल लिया हो, ऐसा तो नहीं है कहीं नायक बदल लिया हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब ऐसा होता है जब नायिका या नायक एक दूसरे पर ध्यान नहीं देते हैं, इसका मतलब वैकेंसी खाली थी, किसी और का रजिस्ट्रेशन हो गया है, कहीं ऐसा नायक ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कि नायिका ने कोई और नायक बना लिया हो। नायिका इससे कोई जगह खाली होते ही आजकल कोई पता भी नहीं लगता है ना, बिल्कुल आशीष सही कहा। सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल काल, चौक पड़ी युवती चकित चितवर निज चारों और, फिर हीर प्यार की सेज पास। और उसके बाद में क्या होता है कि चकित चितवर चारों और हे प्यार की सेज पास, जैसे ही नायिका जागी और नायक और नायिका प्यार की सेज पर आ गए और नम्र मुख हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। और उसके बाद में प्यार के रंग उन्होंने खेले, इसी से दम हो गया और दोनों में राजीनामा हो गया। ये है हमारी आज की नायक नायिकाओं की कहानी, जुई की कली। होगी प्यार की जीत, पढ़ लो यार। देखो मैंने बहुत ज्यादा डीप समझाया नहीं है क्योंकि लोग अलग अलग चश्मे से क्लास को देखते हैं। आध्यात्म के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। पंक्ति आती है हमारे हिंदी साहित्य में, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं किसी व्यक्ति के लिए, केशव दास के लिए कहते हैं, नहीं कहते तो बताओ किसके लिए कहते हैं। आशीष कहते हैं नहीं तो बताओ आशीष किसके लिए कहते हैं। गाना बनाया रे भोजपुरी संगीत वालों, बाबा विद्यापति के लिए। सोच लो अभी भी, आशीष सही बता रहा है गलत बता रहा है। मैं तो गलत बता देता हूं, मेरी बात छोड़ दो तुम। सही आंसर है विद्यापति। क्या है? विद्यापति। शाबाश आशीष, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। शुक्ल जी ने कहा था विद्यापति के बारे में। शाबाश आशीष, जानबूझकर केशव का नाम लिया था ताकि आप लोग टीप लो।
टेस्ट तो मैं लेता ही हूँ, और क्या, टेस्ट के बगैर पार थोड़ी ना पड़ेगी, टेस्ट के बगैर पार नहीं पड़ती। तो ये थी साथियों हमारी रचना आज की। और बताओ, 9 बजे से क्लास नहीं होती है, वो ऐसे ही बनाई है यार क्लास, उसमें आकर आप लोग मत आया करो उस क्लास में, अभी 9 बजे कोई क्लास नहीं होती, ऐसे ही है। उसमें क्या तकनीकी, मैं अभी क्या नया सेटअप लगाया है ना, तो वो क्लास चलाकर मैं एक सेटअप करता रहता हूँ, तकनीक का चीजें सुधारता रहता हूँ उसमें, तो क्लास नहीं है एक्चुअली, क्लास चलेगी नहीं उसमें, है ना, उसको मत आना उसमें भलाई, बट उसमें क्या है कि मुझे सेटअप करना होता है, कोई चीज मतलब इंटरनल चीजें चल रही हैं कुछ है तकनीकी, तो उसके लिए मैं करता। सर 10 बजे यूट्यूब पर क्लास होती है क्या पिंकी? 10 बजे जो होती है बेटा ऐप पर होती है, ये ऐप पर क्लास होती है, पेपर वन की ऐप पर होती है, ऐप पर होती है। सर जी मैंने आपके देखी प्रोफाइल, मैंने ऑलरेडी पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रखा है, आप पुरानी क्लासेस देखोगे तो आपको लाभ मिलेगा, सारी क्लासेस फटाफट रीड कर डालिए, ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस 10 के 10 यूनिट्स कंप्लीट करवा रखे हैं, जाओ देखो। ओके गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल, कल मिलेंगे, शुक्रिया। अनामिका कह रही है माई फर्स्ट क्लास ऑन अन अकेडमी, बढ़िया है भाई। चलिए आज हम पढ़ेंगे निराला जी की एक कविता है, बांधो ने ठाट, बांधो ने नाव इस ठाट बंधु। यार हमने स्पेशल क्लास में एक नया बैच स्टार्ट किया है, बैच का नाम है करना, बैच का नाम है करण, बैच का नाम है। वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे राम की शक्ति पूजा, ये एक ऐसी रचना है जिसने निराला को अमर कर दिया, कालजयी रचना है साथियों राम की शक्ति पूजा, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी दोस्तों का, बड़े प्रेम से स्वागत है, आ जाइए। कैसे हो सबके सब, मुझे बताओ क्या हाल चाल है सबके, जीवन में क्या नया ताजा चल रहा है। अब हम शुरू करेंगे राम की शक्ति पूजा त्रिपाठी की रचना है। सबसे पहले हम इसका सारांश पढ़ लेते हैं और फिर हम इसकी पूरी कविता पर जंप करेंगे, जैसे ये कविता उसकी, सारे नोट्स लगा दिए हैं, चिंता ना करें। कोमल कह रही है मेरी पहली क्लास है, कोमल भाई स्वागत है आपका। राम की शक्ति पूजा निराला की रचना है, ये तो आपको पता ही है, अपने पूरे कलात्मक सौंदर्य के साथ अपने युग के सामाजिक सत्य से भी जुड़ती हुई एक सार्वभौमिक प्रक्रिया का बयान करती है, जिसे असत के ऊपर सत्य की विजय के लिए हर बार अपनाना पड़ेगा, स्वाधांति का पक्ष का। अब देखो ये जो कविता जब लिखी गई थी, कब लिखी गई थी, समय सन बताओ, सन बताओ, चलो राम की शक्ति पूजा कब लिखी गई थी, चलिए जिन लोगों ने 1936 बताया है उन लोगों का सबका सही आंसर है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो उस समय 1936 का जो दौर था ना, उस समय क्या था, भारत में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज जो असत्य का रूप है उस पर सत्य की विजय हमको दिखलाने थी, यानी एक प्रकार से जो राम की शक्ति पूजा राम रावण की कथा के साथ साथ
अंग्रेज और भारतीय जनता की कथा भी। अंग्रेज और भारतीय जनता की कथा भी है, इसलिए वो असत्य पर सत्य की विजय यहां पर बतलाते हैं। उस असत्य के खिलाफ विजय तभी हासिल हुई जब भारत की जनशक्ति नेतृत्व के साथ हो गई। भविष्य में भी जब शोषण पर आधारित व्यवस्था को बदलकर शोषण विहीन समाज बनाने का समर तेज होगा, उसकी विजय भी तभी सुनिश्चित होगी तब भारत की या किसी ऐसे समाज की। अरे रुक जा, जनशक्ति उदयमान सर्वहारा वर्ग के वैचारिक राजनीतिक नेतृत्व के साथ होगी और वर्गीय संतुलनकारी सर्वहारा पक्ष में हो जाएगा। चलिए गाइस, ओके, जब तक शोषण जनता बड़े पूंजीपतियों भूस्वामियों के राजनीतिक वैचारिक नेतृत्व के चुंगल में फंसी रहेगी, यानी असत्य की गोद में रहेगी, तब तक शोषण विहीन समाज बनाने वाली शक्तियों की विजय संभव नहीं। इसलिए सर्वहारा वर्ग को भी शक्ति पूजा की मौलिक कल्पना करनी पड़ती। सारी क्रांतियों का इतिहास इस बात का साक्षी है।
राम की शक्ति पूजा इसी ऐतिहासिक अनुभव को काव्यात्मक स्तर पर प्रस्तुत करती है। संवेदनात्मक स्तर पर समाहित वे सार्वभौमिक सत्य ही इस रचना को महान बनाता है। इसी तत्व की वजह से यह कविता एक इल्माही या प्रोफेटिव कविता बन जाती है। निराला की यह कविता हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कविताओं में इसको माना जाता है। क्या लिख दिया है डाउट में, देख लेते हैं क्या लिखा है भाई आपने। प्रीति जी न्यूज बुझाई दिए, यूजीसी नेट पास करने वाले न्यूनतम वर्ता प्राप्त करने आते हैं जनरल कैटेगरी 4500 अन्य भाई मुझे इसकी जानकारी नहीं है, कब की न्यूज है ये पीटी, कब की न्यूज है बेटा ये, और कहां आई है ये न्यूज। भाई कहां से पढ़ी है ये न्यूज, भाई मुझे तो इसकी जानकारी है नहीं। 45% भाई शिक्षा का इतना भी स्तर नीचे नहीं नहीं गिरेगा। चलिए गाइस, ओके यार मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे और आगे अब बढ़ते जाएंगे। अबे साथियों, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा के बारे में और डिटेल देख लेते हैं, कब से कब हुई थी। अरे भाई 100% फेक है, इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, 100% फेक है। चलिए गाइस, राम की शक्ति पूजा 23 अक्टूबर 1936 को ही रचना है, इस चीज को ध्यान रहे। भारत पत्र में इसकी प्रकाशित हुई, लेकिन आज दैनिक इलाहाबाद का वह अंक सुलभ नहीं है, इसलिए इस पत्रिका के मूल निकटतम पाठ के लिए अनामिका के प्रथम संस्करण में छपी उसी को ही निर्भर रहना पड़ता है। ओके, मैं उन्हीं को ब्लॉक करूंगी, मुझे लगा ये संजय जी हैं। अरे भाई साहब, ए जी ओ जी, इसमें विनय जी भी हैं, संजय जी भी हैं, इन जी जियो ये जी है, फेक भी होते हैं बहुत से जी, बहुत से जी फेक भी होते हैं। ए जी ओ जी हम ना कहेंगे, हम तो इशारों में बातें करेंगे। चलिए, अनामिका में देखो, इसका इसका सीधा मतलब यह है कि 23 अक्टूबर 1936 को छपी
और भारत पत्र में छपी, लेकिन वो प्रति गुम हो गई, तो इसको अनामिका में इसको छपा माना जाता है। आगे देखते हैं, राम की शक्ति पूजा के उतने ही अनुच्छेद है जितने सरोज स्मृति में है। उन अनुच्छेदों की कुल संख्या 11 है। ये प्रसंग के अनुकूल ही आकार में छोटे बड़े हैं। यह कविता 312 पंक्तियों की एक ऐसी लंबी कविता है जिसमें शक्ति पूजा नामक छंद का प्रयोग हुआ है। यह छंद निराला जी का अपना मौलिक छंद। देखो, अब आपसे पूछा जाएगा कि राम की शक्ति पूजा में कौन सा छंद आया, तो ये है साथियों राम शक्ति पूजा छंद। इसको ध्यान रखना, यह क्या है साथियों, निराला जी का ये मौलिक छंद है। ओके, चलिए, यह कविता चूंकि एक कथात्मक कविता है इसलिए संश्लिष्ट होने के साथ भी इसकी संरचना अपेक्षाकृत सरल है। इस कविता का कथानक प्राचीन काल से सर्वविख्यात राम कथा के एक अंश से है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर, संश्लिष्ट क्या होता है? कितने लोग संश्लिष्ट का मतलब नहीं जानते इस क्लास में? मुझे उम्मीद है कि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो तो संश्लिष्ट का मतलब तो जानते ही जानते होंगे। बताइए, संक्षिप्त जानते हैं? जानते हैं तो बताओ ना बेटा, फिर जानते तो बताओ। छोटा संश्लेषण किया हुआ, अंकित कह रहे हैं इस चीज। और बताओ, लगाओ दिमाग, और लगाओ दिमाग। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को ये चीज तो आनी चाहिए। संश्लिष्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, कुछ चीजों को इकट्ठा कर देना संश्लिष्ट कहलाता है। जैसे कोई चीज अगर अलग अलग फॉर्म में है तो उनको एक साथ करना संश्लिष्ट कहलाता है। क्या कहते हैं उसको? संश्लिष्ट कहते हैं उसको। ओके, आगे देखते हैं। कृतवासी और राम की शक्ति पूजा में पर्याप्त भेद हैं। आपको ये चीजें पढ़नी है, ये चीजें काफी एक्स्ट्रा मैंने इन नोट्स में ऐड कर दी हैं। ये आपको सारी चीजें पढ़नी है, ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है? ओके, आइए अब इसका थोड़ा सा हम इस चीज को देख लेते हैं कि ये हमसे क्या कहना चाहता है। चलिए, इधर देखिए। निराला जी के सामने एक समस्या थी कि राम रावण का युद्ध वर्णन करना है और उसके समानांतर राम के भीतर समानांतरता राम के भीतर चल रही है। लड़ाई का वर्णन है, भीतर की लड़ाई है, युद्ध लड़ा जाए या ना लड़ा जाए। देखो, राम जब रावण से युद्ध लड़ने जा रहा था ना, तो राम के अंदर भी एक लड़ाई हो रही थी कि रावण से झगड़ा किया जाए या रावण से झगड़ा नहीं किया जाए। कि कई बार आदमी अंतर्द्वंद में रहता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। कई बार आप कोई काम कर रहे होंगे लेकिन आप अपने अंदर ही अंदर कोई सवाल कर रहे होंगे कि यार ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। देखो, आपको जैसा कि पता है कि राम क्या थे, एक सामान्य पुरुष थे, कोई अवतारी पुरुष नहीं थे राम। एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही उन्होंने अपना जीवन जिया है, इसलिए सामान्य व्यक्ति की मनोदशा क्या होती है उसी तरीके से राम की मनोदशा यहां पर थी कि युद्ध लड़ा जाए या युद्ध ना लड़ा जाए, लड़ने का साधन क्या हो, जीतेंगे इसमें संशय था, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। भाई, आदमी को हमेशा अपनी जो मानव स्वभाव होता है उसमें हार और जीत की डर होता है। संकल्प की लड़ाई राम के भीतर चल रही है,
राम द्वंद्वातीत राम ने होकर द्वंद में फंसे राम है। देखो ये कालजयी रचना है, मुझे लगता है कि अगर राम की शक्ति पूजा निराला नहीं लिखे होते तो निराला का आज वो कद नहीं होता जो कद होना चाहिए। बहुत ही तगड़ी रचना है निराला के जीवन। राम राम का द्वंद राम रावण के द्वंद से महत्वपूर्ण हो गया है। देखो राम और रावण का द्वंद का मतलब राम रावण का युद्ध, लेकिन यह राम और रावण के युद्ध से महत्वपूर्ण क्या हो गया है, राम राम का द्वंद। यानी राम के अंदर जो द्वंद चल रहा था वो द्वंद राम और रावण के युद्ध से भी तगड़ा हो गया था। साथियों समझ रहे इसको कि राम राम के अंदर जो द्वंद चल रहा था कहीं राम रावण के द्वंद से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। निराला के राम आधुनिक मानव हैं जो न्याय के पक्षधर होते हुए भी टूटते हैं, संशय करते हैं और अपनी नियति को कोसते हैं। जो आज के समय का जो व्यक्ति है कई बार सच का साथ देने पर भी उसको डर लगता है, यही संशय राम के मन में था। राम की शक्ति पूजा कविता में क्या कहते हैं, दिक जीवन को पाता ही आया विरोध, दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया, ऐसी पंक्तियां उसके अंदर। मैंने सारी कविता, आप ये मत सोचना कि सर गद्य पढ़ा रहे हो आप, तो मैंने ये सारी कविता, देखो ये रही कविता, पूरी कविता पढ़ानी है ये वाली लंबी कविता, लेकिन मैं एक बार समझाना चाहता हूं कि राम की शक्ति पूजा का क्या थॉट प्रोसेस है, राम की शक्ति पूजा क्या थॉट प्रोसेस है, क्यों राम की शक्ति पूजा को लिखा गया। दरअसल शक्ति की उपासना उपासना मात्र नहीं सकी, अंदर की शक्ति को जागृत कराने के लिए किया गया था। निराला के मन में शक्ति की अवधारणा थी, शक्ति की कल्पना मुक्त होने और कराने के लिए जी की जा रही थी। निराला मानव मुक्ति की कविता लिखते थे, जामवान से परामर्श दिलाना ही कविता को नितांत लौकिक धरातल पर लाना है। आइए अब हम इसकी कविता को पढ़ लेते हैं कि क्या है उसके अंदर। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। रवि यानी सूर्य अस्त हो गया है, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। आज का तीक्ष्ण सर विद्रत क्षिप्र कर वेग प्रखर, सत सलेश समरणशील नीलब गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यू भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युक्रुद्ध कपि विषम गुह। ये पंक्तियां हैं साथियों, काफी लंबी ये रचनाएं हैं, ये मैं लगा रहा हूं और आपको ये रचना पढ़नी है। कितने लोग पढ़ेंगे और कितने लोग नहीं पढ़ेंगे, आपको ये चीज कहीं मिलेगी नहीं जो मैं दे रहा हूं। कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजों को मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, यहां से मैं महत्वपूर्ण चीजों को नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि कविता बहुत बड़ी है।
अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर फिर ब्रह्मचर्य रत ये एकादश रुद्रधन मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन लीला सहचर दिव्य भावधर इन पर प्रहार करके होगी देवी तुम्हारी विषम हार। तो विद्या का ले आश्रय इस मन को दो प्रबोध झुक जाएगा कपि निश्चित होगा दूर क्रोध कहे हुए मौन शिव पवन तने में भर विस्मय तैसा नव में अंजना रूप का हुआ उदय। बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल तब नहीं बोध था तुम्हें रहे बालक केवल। यानी कि उसकी माता राम से कह रही हैं कि जब तुम उस दिन को याद करो जब तूने सूर्य को निगल लिया था तब नहीं बोध था तुम्हें रहे बालक केवल वे वही भाव रहा तुम्हें व्याकुल रह रहकर। तुम तो इतने वीर हो बचपन में रवि को निकल लिया और वो तो तुम्हारा बचपना था। यह लज्जा की है बात की मां रहती सह सह ये महाकाश है जहां वास शिव का निर्मल पूजते जिन्हें श्री राम उसे कृष्णे को चल। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ सोचो मन में क्या दी यज्ञा ऐसी कुछ रघुनंदन ने। तुम सेवक हो छोड़ कर धर्म कर रहे कार्य क्या ए संभाव्य हो ये राघव के लिए धार्य। कपी हुए नम्र क्षण में माता छवि हुई लीन यानी शक्ति माता लीन हो गई उतरे धीरे धीरे गह प्रभु पद हुए दीन। राम का विष्णानंद देखते हुए कुछ क्षण हे सखा विभीषण बोले आज प्रसन्न वंदन वह नहीं देख कर जिसे समग्र वीर वानर भल्लूक विगत श्रम को पाते जीवन निर्धर रघुवर तीर सब वही तूण में है रक्षित है वह क्षण है वह वश रण कुशल हस्त पल वही अमित है वही सुमित्रा नंदन मेघ नाद चित्रण है वही भल्लपति वानेंद्र सुग्रीव प्रमन तारा कुमार भी वही महाबल श्वेत धीर ए प्रतिभट वही एक अर्दुद कम महावीर है वही दक्ष सेना नायक है वही समर फिर कैसे ऐसमय हुआ उदय वह भाव प्रहार। काफी लंबी रचना है ये आप ही को पढ़नी पड़ेगी। अंतिम कुछ चीजें पढ़ लेते हैं हम लोग। जब शक्ति आती है उनसे मिलने के लिए वो पढ़ लेते हैं जब वो अपनी आंख का वो निकाल कर देते हैं वो पढ़ लेते हैं। यहां पर वो निराश हो जाते हैं राम यहां पर निराश हैं कि दिक जीवन को पाता ही आया विरोध दिक साधन जिसके लिए किया शोध। यहां पर निराश है जान की हाय उद्धार पिया का न हो सका वह एक और मन रहा जो राम का जो न थका जो नहीं जानता दैन नहीं जानता विनय कर गया भेद वह महावरण प्राप्त कर जय। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन राम में सज जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन यह है उपाय उठ कह उठे राम जो मंद्रित घन कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन राजीव नयन राजीव नयन। अब राम को याद आया कि माता उसको राजीव नयन कहती थी क्योंकि उनके नयन कमल के फूल के समान हैं। दो नील कमल है शेष अभी दो नील कमल है शेष अभी यह पुष्ट चरण पूरा करता हूं देकर माता एक नयन अपनी आंख का निकाल कर शक्ति के चरणों में समर्पित करने वाले ही है राम। आगे क्या होता है कहकर देखा तूणीधर तूणीधर का मतलब मुझे तीर का आगे का नुकीला हिस्सा कहकर देखा तूणीधर ब्रह्मास्त्र रहा झलक ले लिया हस्त
लक लक करता वे महाफलक, ले अस्त्र वाम कर दक्षिण कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्दत हो गए सुमन। सुमन यानी पुष्प अर्जित करके आंख को चढ़ाना चाहते थे। जिस क्षण बंद गया बेधन को दृग दृढ़ निश्चय, जब राम ने इस चीज का निश्चय कर लिया, कापा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। और जैसे ही शक्तियों जैसे ही साथियों उन्होंने राजीव नयन अपनी आंख को निकालने का प्रयास किया और शक्ति जी वहां क्या हो जाती हैं, शक्ति जी का उदय हो जाता है। साधु 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 साधक धीर धर्म धन धन राम की आवाज आती है कि साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। जैसे ही वो आंख निकालने के लिए लगे, ये सब साधु साधु कहते हुए शक्ति ने राम का हाथ पकड़ लिया। देखा राम ने सामने थी दुर्गा भास्कर, वाम पद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर, ज्योति मरिये रूप हस्त दस विविध अस्त्र सज्जित। यहां पर शक्ति शक्ति के रूप का वर्णन है कि किस प्रकार से ज्योति के समान उनके दसों हाथों में अलग अलग शस्त्र लिए हुए थे। मंद स्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित है, दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती, वाम भाग उसके दक्षिण में लक्ष्मी है, बाएं भाग में सरस्वती है, दक्षिण गणेश कार्तिके, बाएं रण रंग राग, मस्तिष्क पर शंकर पद चिन्हों पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए प्रणत यानी प्रणाम किया और मंद स्वर उन्होंने किया वंदन, देवी का उन्होंने वंदन किया और कहने लगे, देवी यहां पर कहने लगी राम से अंतिम समय पर, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहे महाशक्ति राम के बदन में हुई क्या भर रामचंद्र जी। ये थे साथियों अंतिम कुछ लाइनें जो राम की शक्ति पूजा के हमने पढ़े हैं कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहे महाशक्ति राम के बदन में हुई। काफी बड़ी कविता है ये, आपको पढ़नी है, इसका अर्थ सहित पीडीएफ में लगा रहा हूं, इसके अर्थ सहित पीडीएफ आपको पढ़ना है। कल वाली रचना का अर्थ पढ़ा आपने, जो मैंने कल आपको जो रचना जूही की कलीर ये सब पढ़ा है उसका अर्थ पढ़ लिया। देखो इतनी बड़ी व्याख्या के नोट्स नहीं बनते हैं, लेकिन आपको नोट्स क्या बनाने थे, राम की शक्ति पूजा कैसे बनाने थे, राम की शक्ति पूजा निराला ने लिखी, कब लिखी, 1936 में लिखी, कितने खंड हैं, 11 खंड हैं, एक इसमें छंद है अलग से, छंद शक्ति पूजा छंद उसका उन्होंने निर्माण किया। ऐसे छोटी छोटी चीजें आपको इसके बारे में लिखनी है, ना कि इसका आपको अर्थ लिखना है। नोट्स में अर्थ लिखने की आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी चीजें लिखनी है जो मैंने आपको आरंभ में बतलाई थी ना, जो आरंभ में जो पढ़ाई थी, ये देखो ये पढ़ाई थी मैंने आपको आरंभ में, ये थी कि राम की शक्ति पूजा अपने युग के सत्य को स्थापित करती है। मैंने आपको ये पढ़ाया था 23 अक्टूबर 1936 को इसकी रचना हुई थी, इसका प्रकाशन हुआ था भारत पत्र में स्टार्टिंग में, लेकिन वो गुम हो गया इसलिए अनामिका उसकी अंतिम प्राप्ति होती है। मैंने ये भी लिखा दिया इसमें कुल संख्या 11 है, अनुच्छेदों की कुल संख्या 11 है, इसमें टोटल 312 पंक्तियां हैं, इसमें शक्ति पूजा नामक छंद, ये जो मोस्ट है ये सारा, ये चीजें नोट करनी थी, इनको नोट्स में लिखना था, इन सब चीजों को नोट्स में लिखना था।
और बताइए, चीजें समझ तो आ रही है ना ये चीजें, क्योंकि ये चीजें आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, पहले आपने पढ़ाई नहीं की होगी, इस तरह डीप आपने नहीं पढ़ा होगा, अब आप पहली बार इनको पढ़ रहे हैं, आपका क्या मत है इसको लेकर? है भाई गुरु जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। अनु बोलो, बोलो अनु बोलो। सर बेबी गर्ल क्या कर रही है सृष्टि? बेबी गर्ल अभी यहां नहीं है और वो अपनी नानी के घर है समय, तो वहीं मस्ती कर रही है, अटकेलियां कर रही है। हम तो उसको व्हाट्सएप वहां देखते हैं, रील वगैरह बना देती है मैडम। आपको समझ तो लग रहा है ना ये चीजें, जो मैं आपको कल मैंने आपको जोई की कली से पढ़ाई थी, ये सब चीजें समझ तो लग रही है ना आपको निराला की। हाँ आशीष एक काम करना, कई चीज हमसे छूट गई है, आशीष कई चीज हमसे छूट गई है, उनको नोट करके रखना। मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास ऐड करवा दूंगा, एक दो क्लास ऐड करवा लूंगा बीच में, फिर हम जो नाटक बचे हैं उनको भी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वो बीच में एक दो छुट्टी हो गई थी ना, इसलिए चीजें छूट गई थी। सविता लेट मत आया करो, नमस्ते। अब जब क्लास खत्म होने को है जब तो आप लोग आते हो। गुनगुनी आने वाली है कुछ दिनों में, 4-5 दिन में अब गुनगुनी आ जाएगी, आ जाएगी, बहुत जल्द आने वाली है, मैं भी बिजी था। बिल्कुल सही कह रहे हैं सृष्टि आप। ये बात बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल बिल्कुल ये बात तो सही है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं 1 तारीख से, क्योंकि यार मार्च का महीना ना बड़ा वैसा महीना होता है जिसमें कुछ फाइनेंशियल चीजें भी करनी होती हैं, थोड़ा दबाव का महीना होता है, ये हर किसी के लिए होता है। तो इसमें एक तो छुट्टी काफी हो गई मुझसे, अब हम अप्रैल में ना कुछ नया कर रहे हैं। अप्रैल में एक तो मैं टाइम फिक्स कर रहा हूँ यार, पेपर 1 हमको पढ़ लेंगे, पेपर 1 जो है ना हम पढ़ लेंगे 10 बजे से, ये पेपर 1 हो जाएगा, और जो हिंदी साहित्य है हमारी ये हम पढ़ लेंगे 12:30 से, 2 क्लासेज, और कुछ क्लासेज यूट्यूब पर कर दूंगा, ऐसे हमारे का रिविजन भी हो जाएगा। सर इतना पंक्ति याद नहीं रहती एग्जाम में, इतनी पंक्ति याद नहीं करनी बेटा निशा आपको, सिर्फ एक खाका रहना चाहिए दिमाग में। जैसे कल हमने क्या पढ़ा, कल हमने जूही की कली पढ़ी, तो हमको एक एक पंक्ति थोड़ी ना याद करनी है कि जूही की कली की हमने एक एक पंक्ति याद कर ली, ना हमको जूही की कली की पंक्ति याद करने की जरूरत थोड़ी ना है, बस हमको एक औरुल खाका तैयार करना है कि जूही की कली में क्या था, ये थी जूही की कली, कल हमने पढ़ी थी जूही की कली, आपको पता है ना, तो एक आइडिया रहना चाहिए कि क्या है उसके अंदर, कैसे नायक था, नायिका ने ध्यान नहीं दिया, नायक गुस्सा हो गया और नायक ने एकदम जोर से फटकार लगा दी, सुकुमार सुंदर सुकुमार दे झकझोर डाली, फसल दिए गोरे कपोल गाल, सौक पड़ी युवक्ति चकित चितवन चारों ओर, परे हे प्यार की सेज के। तो ये सब चीजें हमको एक आइडिया होना चाहिए कि यार ये जो पंक्ति है ना ये है हमारी जूही की कली की, और जूही की कली जो रचना है वो कहां लिखी गई। इसी तरीके से आपने सरोज स्मृति को मैंने पढ़ाया था, अब आपको पता लग गया होगा, सरोज स्मृति को पता लग गया कि यार निराला की जो व्यक्तिगत लाइफ थी ना वो कितनी डरावनी थी, कितनी गरीबी में निराला जी जी रहे थे, उनकी बेटी की 18 साल की उम्र में ही मृत्यु हो जाती है, वो सारी चीजें हमको खाका हमारे दिमाग में हो गया, हमको हर चीज रटने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक हमको याद आ जाएगी। सर नाटक के कथन कैसे पढ़ें? इसके लिए तो आपको पूरा नाटक पढ़ना पड़ेगा विशाल,
अंजू सर पेपर वन पढ़ाते हैं, मैं पेपर वन और हिंदी दोनों पढ़ाता हूँ बेटा, मैं पेपर वन भी पढ़ाता हूँ और हिंदी भी पढ़ाता हूँ, मैं पेपर वन भी पढ़ाता हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि पेपर वन के लिए आपको कहीं भटकना पड़ेगा, मैं पेपर वन भी पढ़ाता हूँ और हिंदी भी पढ़ाता हूँ। मेरा ये सिद्धांत है कि आप अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो सब कुछ आपको यहीं प्राप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपसे मैं कह दूं कि यार फलाने टीचर से ये पढ़ लो, फलाने टीचर, ना 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 ऐसा नहीं है अपने साथ। अपन जब पढ़ेंगे मिलकर पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। आज क्लास में बस इतना ही रखेंगे साथियों, अब हम मिलेंगे आपसे मंडे को क्लास में, प्लस की क्लास अब मंडे को होगी, है ना। संडे की और सैटरडे की छुट्टी है, वैसे सैटरडे की छुट्टी नहीं रखता हूँ बट कल है, है ना, और अब मंडे को मिलेंगे। जब तक आप इनका सबका रिवीजन कर लीजिए। सर एमपी सेट का फॉर्म मैंने भी भरा है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम दो आप, नेट पास कर लो सेट की तो बेटा वैसे जरूरत ही नहीं, अगर नेट पास हो गया तो वैसे कल्याण हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, लव यू ऑल, ख्याल रखो अपना, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग।